वहां से होते हुए सीधा इसी पे आके मैच करेगा और सीधा आप यहां से निकल जाओगे रुड़की बाईपास करते हुए भगवानपुर छुटमलपुर सहारनपुर, तो बन गया ना पूरा का पूरा रिंग रोड। तो रुड़की बाईपास 3.0 है भाई, ये रुड़की बाईपास 3.0। तो इस पूरे रूट में जहाँ जहाँ से मुझे जितना इतना एरिया दिखाई देता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। ईरान कलियर जाने के लिए भी यही रोड है। वहाँ से अंदर आने के बाद वो जो मैंने बताया था ना कि बाईपास रोड कहाँ से अंदर आएगा, ये यहाँ से अंदर आ रहा है। ये कलियर वाला रोड है जहाँ पे मैं अंदर आया हूँ, तो ये यहाँ से बाईपास मतलब ये यहाँ से पास कर रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा है इसका। नगर पंचायत पिरान कलियर जनपद हरिद्वार में पधारने के लिए धन्यवाद। थोड़ा और नज़दीक से देख लो भाई लोगों, 6 लेन दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेसवे का पार्ट है ये। ये जा रहा है सीधा यहाँ से जहाँ से मैंने बाहर से दिखाया था ना आपको, वहाँ के बाद सीधा यहाँ पर आके मिल रहा है ये और आगे निकल जाएगा ये भगवानपुर वाली रोड पर। 2024 दिसंबर तक तैयार होने हैं भाई ये। तो ये है ये रिंग रोड रुड़की है, साथ में ये दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस वे भी है। एक तीर दो निशाने लगा दी सरकार ने, अब देखते हैं आगे और कहां पर हमें देखने के लिए मिलता है। ओ मुझे वहां से दिखा वो देखो भाई, वो एक्सप्रेस वे वाला सामने पिलर पूरा सामने दिख रहे हो। ओके, तो वहां से जो हमने देखा था ना रोड पास हो रहा था वो सामने यहां पर आके मैच हो रहा है। तो ये हम एक और पॉइंट पे कहीं पे पहुंचे हैं जहां पर ये जरूर की हरिद्वार वाली जो कैनाल है उसको क्रॉस कर रहा है ये हाईवे दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेसवे। हरिद्वार एक्सप्रेसवे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल तो देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे था, बट इसको एक पार्ट ऑफ हरिद्वार के लिए भी आ रहा है, तो उसका काम देखो यहाँ पर ये है। ये रिंग रोड रुड़की भी है क्योंकि रिंग रोड इसके बाद रुड़की पूरा का पूरा बाईपास हो जाएगा। किसी भी बाहर की सिटी में आपको जाना है तो रुड़की एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखो भाई यहाँ से ये आ रहा है यहाँ पर, तो जहाँ से मुड़े थे ना उधर से क्या बोलते हैं रुड़की, रुड़की के बाद कोर यूनिवर्सिटी, कोर यूनिवर्सिटी के बाद अंदर होते 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 फिर ये यहाँ पर। 2024 दिसंबर इसका डेडलाइन है, तब तक बन जाएगा ये क्या लगता है? 2024 दिसंबर, हाँ अभी तो फरवरी स्टार्ट हो गया, फरवरी स्टार्ट हो गया है तो काम तो चल ही रहा है ना काफी तेज से। मेन जो टाइम लगता है ना वो ब्रिजेस पे लगता है, ब्रिजेस और जो फ्लाईओवर्स होते हैं क्योंकि उन पे पिलर और ये सब पे टाइम लगता है, बाकी रोड तो तुरंत बनता है। चलो सम अदर डे जब थोड़ा और काम इस पे देखने को मिलेगा तो कवर करेंगे इसको बेटा, बट अभी इस वीडियो में तो काफ़ी चीज़ देखने को मिल ही रही है कि कहाँ कहाँ से रोड निकल रहा है। वो देखो वहाँ से सारा ट्रैफिक जा रहा है। रुड़की बाईपास हो रहा है ना इससे पूरा का पूरा। ये देखो अब हम क्रॉस कर रहे हैं इसको, आने वाले समय में इसके ऊपर से जाया करेंगे शायद लगभग एक साल के बाद। और ये जो सामने से लोग जा रहे हैं ना इसको मैं अभी मैं देख रहा हूँ कि उधर कुछ खास लोग ट्रैफिक नहीं जा रहा, ट्रैफिक जो ना यहाँ से सीधा पार कर रहा है उधर जा रहा है सामने की तरफ। तो देखेंगे अगर कोई मुझे कमेंट बता देना कि आगे तक का रोड अगर बन गया है तो अपन बाइक लेके निकल जाएंगे, बाइक से तो कुछ मना है ही नहीं। पर नहीं वहाँ कोई नहीं जा रहा, पर वहाँ काम चल रहा है सामने पूरा का पूरा।
और ये रोड यहाँ से सीधा सीधा रुड़की रुड़की निकल जाएगी। रुड़की के बाद एक जगह और मैं आपको दिखा दूंगा जहाँ पर ये अब रुड़की के रुड़की रोड पर जहाँ पे बाहर आ रहा होगा ये वहाँ निकाल के बता दूंगा मैं आपको, और उसके बाद सीधा निकल जाएंगे हम छुटमालपुर होते हुए देहरादून। ये रोड जो ना वहाँ से निकलने के बाद जो मेन रुड़की वाला हाईवे है, पुराने वाला जो हाईवे है रुड़की छुटमलपुर वाला, ये उसे क्रॉस करके फिर सीधा जो नया वाला हाईवे है ना मंगलोर बाईपास से जो शुरू होता है और शायद सहारनपुर अम्बाला चंडीगढ़ वाला हाईवे, ये वहाँ जाके मिल जाएगा। पंचकुला 176 किलोमीटर। देखो भाई वहाँ से एक नहर वाली रोड से हम आ गए मेन रोड पर। तो भाई ये तो वो रोड है जो आप बस स्टैंड से अगर रुड़की से निकले हो और अगर जाना है सहारनपुर तो इसी रोड से अंदर अंदर जाते हो, और एक टाइम पे ये रोड मेन रोड होता था, बट अब यही रोड जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। मतलब फ्री नहीं होगा, लोकल लोगों के लिए रहेगा, बट जो बाहर का ट्रैफिक है ना वो रुड़की रिंग रोड यूज़ करेगा। तो ये यहाँ पर हम समझ लो कि रुड़की शहर तो क्रॉस कर दिया हमने पूरा, अब ये सामने जो है पूरा का पूरा रोड जो है ये रुड़की बस स्टैंड से बस जब आपको लेके आती थी तो इधर से ही लेके आती थी, और आज भी जो रुड़की अंदर जा रहे हैं वो इसी रोड से जाते हैं। बट अब आप सोचो जो भी हिमाचल पंजाब वाला ट्रैफिक है, हरियाणा वाला ट्रैफिक है, उसको यहाँ तक आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी शायद वो बाईपास मंगलोर से हो रहे होंगे, बट वो बाईपास तो लंबा पड़ता है। तो ये सिंगल रोड, बहुत भीड़ रहती है इस रोड के ऊपर। और ना जब भी कभी एक दो बार मैं सहारनपुर से मतलब हरिद्वार कभी गया हूँ तो मुझे सबसे ख़राब रोड ना यही लगती थी, क्योंकि इस रोड पे चलने के बाद ऐसा लगता था जैसे हम कहीं पहुँच ही नहीं रहे हैं, चलते जा रहे हैं बट कहीं पहुँच नहीं रहे। तो बस अब देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ वो पास हो रही है, जो दिल्ली हरिद्वार वाला एक्सप्रेस का जो पार्ट है वो कहाँ पर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस रोड को, और उसके बाद इस वीडियो को भी हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। चेक इट आउट कि कहाँ पर है जो हम देखना चाह रहे हैं। भाई पीछे दो बाइक वाले आ रहे हैं, उनको कैमरा देखने को मिल गया और वो खुश हो गए। बस बढ़िया भाई, तुम बताओ ठीक है भाई? भाई का चश्मा, भाई के बाल और है कमाल। एनीवेज गेट बैक टू द टॉपिक। वो आ गए भाई पास सामने, यानी कि मंगलोर से जो छुटमलपुर वाला बाईपास है वो सामने, उसकी वॉल तो दिख रही है मेरे को। ओके ये आ गई साइड सामने जहाँ तक मुझे अंदाजा लग रहा है। तो बस जहाँ पर हमने उसको छोड़ा था जो नहर वाली रोड थी ना, तो नहर वाली रोड के बाद अब इस जगह पर ये हाईवे देखो भाई। यहाँ पर भाई जो इस रोड पे डेवलपमेंट हुआ है ना वो तो सच में बहुत ज़बरदस्त है। मतलब सहारनपुर वाला जो ये वाला जो हाईवे था, मतलब जिस पर भी हम चढ़ेंगे वो भी ऐसे एकदम तबड़तोड़ बना। और ये है देखो भाई, ये तो वहाँ से ऑल द वे फ्रॉम कोर यूनिवर्सिटी, मतलब बहादुराबाद से निकलने के बाद सीधा बाहर 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 देखो भाई यहाँ तक आ गए हम, यहाँ पर आकर। और उसके बाद तो अपन ने छुटमलपुर वाला हाईवे वो सामने हो रहा, वहाँ मैच हो जाएगा ये, और यहाँ से सीधा वो सहारनपुर वाले रोड पर, फिर उसके बाद दिल्ली, दिल्ली में जो है वो देहरादून वाला रोड पर जाएगा ये। देखो भाई ये कुछ है इसका डेवलपमेंट, ये देखो भाई। तो यहाँ से सीधा इंटरसेक्ट करेगा ये वाले छुटमलपुर वाले हाईवे को, ये यहाँ से सीधा मंगलोर जा रहा है उस साइड, और इस साइड सहारनपुर और अम्बाला चंडीगढ़। तो इसे इंटरसेक्ट करता हुआ निकल जाएगा सीधा देहरादून और दिल्ली वाले एक्सप्रेसवे पे, कहीं पर कनेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा ये अपडेट उसको कमेंट करके बताना। जल्दी 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 माइलस्टोन क्रॉस कराओ 1000 पर डे वाला, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन ज़बरदस्त तरीके से आए और हम और आगे के वीडियो बनाए।
या आगे हम चुटमलपुर हाईवे पे और पीछे अपना ये हाईवे सीधा मंगलोर पे जाके कनेक्ट होता है। तो अभी मेरे ख्याल से जो लोग रुड़की बाईपास कर रहे हैं वो शायद इस रोड से बाईपास कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट मैं भी जो राजस्थान गया था तो वापसी में मैं पूरा मंगलोर होके ही हरिद्वार गया था। अगर फोर लेन पे चलना है तो यही ऑप्शन अभी आपके पास है, थोड़े दिन में अब आपके पास दूसरा ऑप्शन आने वाला है, जस्ट वेट।